तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बच्चे का बरमुडा मतलब छोटी पैंट जो रहती है उसकी हम कटिंग देखते हैं। कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 ऐसे डबल फोल्ड में हमने ये कपड़ा लिया है। अब लंबाई है उसकी 12 इंच। हम एकदम छोटे बच्चे का बनाने वाले हैं। लंबाई है 12 इंच, तो हम 2 इंच ऊपर के साइड से इलास्टिक में फोल्ड करने के लिए, इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच छोड़ते हैं। 12 इंच उसकी तैयार लंबाई है और 2 इंच उसमें हम नीचे से फोल्ड करने के लिए लेते हैं। यहाँ से फोल्ड आएगा और यहाँ ऊपर की साइड से इलास्टिक आएगा। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया है, 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ा है हमने ये 2 इंच। तैयार लंबाई है उसकी 12 इंच, तो हमने ये 12 इंच लिया है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। आसन का घेरा है हमारा 8 इंच, 8 इंच पे एक निशान लगाते हैं। नीचे का आसन है हमारा 7.5 या 8 इंच ले सकते हैं, तो हमने ये 8 इंच लिया है। यहाँ पे हम 10 इंच लेते हैं। अब इसको ये बॉक्स बनाते हैं और इसको गोलाई का शेप देंगे। नीचे के साइड से मोहरी है 6.5 इंच, उसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ से इसको तिरछा कर देते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। जैसे हमने ये 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया है, यहाँ से लंबाई आती है तैयार 12 इंच, 2 इंच हमने फोल्ड के लिए नीचे से लिया है। आसन का घेरा लिया है हमने 8 इंच, नीचे के साइड से आसन लिया है हमने 8 इंच। यहाँ पे आसन की चौड़ाई ली है हमने 10 इंच और मोरी है 6.5 इंच, तो हम उसमें 1.5 इंच प्लस किया है। तो यहाँ से हमने गोल शेप दिया है और यहाँ से हमने यहाँ मोरी में जॉइंट किया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हो गई हमारी छोटे बच्चे की बरमुडा की कटिंग। अब इसको छोटे से कट लगाते हैं। यहाँ इलास्टिक आएगा और यहाँ फोल्ड करेंगे।